हेलो गाइस, आज हम किसी मूवी के रिव्यू पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे पूरे इंडिया के साथ साथ कई देशों में सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों के मन में उठ रहे रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू के लेकर कुछ सवाल जवाब पर। गाइस, रिया ने हाल ही में इंडिया टुडे पर एक अपना एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो सुशांत डेथ केस में इंडिया मोस्ट वॉन्टेड की छवि को सुधारने की कोशिश कर खुद को आशिकी 2 के राहुल जेकर की मासूम सी गर्लफ्रेंड आरोही की तरह शो करती हुई नजर आ रही है, जिसमें अपने एक भारी भरकम डायलॉग से भरी स्क्रिप्टेड स्टोरी वो सुनाती हुई दिखाई दी। मतलब मैडम का कहना था कि सुशांत उनके सपने में आए थे और कहा कि सच्चाई को सामने लेकर आओ। बाप रे, इतना ओवर कौन करता है भाई। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या क्या कहा मैडम जी ने। रिया का इंटरव्यू ले रहे जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई जी ने उनसे जब पूछा कि रिया चक्रवर्ती है कौन असल में, तो जवाब में रिया जी कहती हैं कि एक अबला नारी हूँ, यानी कि वो एक अबला नारी की तरह खुद को दिखाती है कि वो एक लड़की है जिसकी सिर्फ इतनी सी गलती है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत से प्यार किया है। वाह, क्या डायलॉग बोला। अप्रैल 2019 में सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात का किस्सा बताते हुए वो हंस रही थी। वो कह रही थी अपने रिश्तों को बहुत सीरियसली लिया था उसने। वो सुशांत को कहती थी कि उसे एक छोटा सा सुशांत चाहिए, यही उसके और उसके सुशांत के रिश्ते की गहराई को बता रहा था। मैडम जी, अगर हम आपसे कहें कि बॉयफ्रेंड के जैसा छोटा बच्चा और उसके नाम सोच लेना, 16-17 साल की एज के कपल मामूली सा क्रश होते हुए भी सोचने लगते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस इंटरव्यू में रिया ये साबित करते हुए नजर आई कि उन्होंने सुशांत से कभी एक पैसा भी नहीं लिया। मतलब इतनी क्लैरिटी के साथ झूठ कौन बोलता है भाई। उनके अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन्स की डिटेल तो कुछ और ही कह रही है, जो कि मीडिया में पहले ही लीक हो चुकी है और हम सब देख भी चुके हैं। आप किसी बेवकूफ़ बना रहे हो? आप अपनी इमेज क्लियर करने के चक्कर में इतना फुलिश स्टेप कैसे ले सकती हो? आगे इंटरव्यू में रिया ने कहा सुशांत बहुत सीरियस एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे थे और वो रिया से बहुत प्यार भी करते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बहन के आने से पहले उन्हें 8 जून को घर से जाने के लिए कहा, क्योंकि उनकी बहन यानी कि मीतू दीदी और सुशांत की फैमिली रिया को पसंद नहीं करते थे और सुशांत कोई ड्रामा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भेज दिया और वो आराम से चली भी गई। अगले कुछ मिनट में वो इंटरव्यू में ही कहती है कि उन्होंने सुशांत को ब्लॉक कर दिया था। क्यों कर दिया था भाई, जब इतनी आराम से आप घर से आए हो, सुशांत ने आपकी ही फिक्र में आपको घर से भेजा है, तो फिर आपने उन्हें ब्लॉक क्यों किया? ब्लॉक कर दिया था तो सुशांत ने जब आपके पास कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपके भाई से भी कांटेक्ट किया, तो फिर आप वापस क्यों नहीं आई? और आप जब कह रही हैं कि सुशांत को इतना सीरियस डिप्रेशन था, तो भाई आप क्यों आई उन्हें छोड़कर, और छोड़कर आने के बाद आपने ब्लॉक क्यों किया, और ब्लॉक करने के बाद आपके भाई से जब उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया तो आप वापस क्यों नहीं गई? इतना ही प्यार था आपका? मतलब ये थ्योरी तो आपकी बेबुनियाद है। किसी का बॉयफ्रेंड इतनी सीरियस प्रॉब्लम में है तो पहले तो उसे छोड़कर कोई जाता ही नहीं है, अगर कोई ट्रूली लव करता है तो। और अगर लड़ाई होती भी है तो उसकी सीरियस कंडीशन को देखते हुए उसे ब्लॉक तो कोई लड़की कभी करेगी ही नहीं, पता होते हुए कि उसको आपकी ज़रूरत है और वो कभी आपके भाई से कॉन्टैक्ट कर रहा है, कभी आपके पास मैसेज कर रहा है, और फिर भी आप कह रही हो कि मैं टूटी हुई थी। सीरियसली, शेम ऑन यू मैडम। और फिर महेश भट्ट के बारे में पूछने पर रिया कहती है कि वो उनके लिए फादर फिगर हैं। अरे, आपकी लीक्ड फोटो से तो ये तो पता चलता नहीं है कि वो आपके लिए फादर फिगर है। कहती हैं कि वो मुझे चाइल्ड कहते हैं, वो मुझे बच्चा कहते हैं। तो मैडम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी आपस में चाइल्ड और बच्चा कह लेते हैं, ऐसा कुछ। उसके बाद अगर आप सुशांत को छोड़कर आ गई थी, आप बहुत टूटी हुई थी, बहुत लाचार महसूस कर रही थी, आप जीना नहीं चाह रही थी, तो आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट तो कुछ और ही कहती हैं। आप तो डेली पोस्ट डाल रही थी, बिना किसी, आपके पोस्ट में तो कहीं दिख ही नहीं रहा था कि आप परेशान हैं। और सुशांत के पर्सनल इश्यूज उनसे डिस्कस कर रही थी आप महेश भट्ट से, उनके कहने पर आप ब्रेकअप करना चाह रही थी। क्या महेश भट्ट रह रहे थे सुशांत के साथ? क्या सुशांत की कंडीशन महसूस महेश भट्ट कर पा रहे थे, जो आपको महेश भट्ट की मदद लेनी पड़ रही थी? आगे रिया ने सुशांत की फैमिली के साथ रिलेशनशिप के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि उनके पिता के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे,
उनके पिता ने उनकी माँ को निकाल दिया था। अरे आप उसके पिता को गलत बता रही हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, आप उनकी मरी हुई माँ को बीच में ला रही हैं। क्या एक प्यार करने वाला शख्स ऐसी घटिया हरकत करता है? आप महेश भट्ट को पिता की तरह दिखा रही हैं और सुशांत के रियल पिता को अपने ही बेटे का दुश्मन भी बता रही हैं। कमाल है आप तो, और किसी का छोड़ें, आप तो खुद ही उस इंसान को बदनाम कर रही हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। आप उसे ड्रग एडिक्ट बता रही हैं, जबकि आपकी व्हाट्सएप चैट तो कुछ और ही कह रही हैं। व्हाट्सएप चैट लीक हो चुकी हैं, उसमें जो आप खुद टाइप कर चुकी हैं वो चीज़ें तो कुछ और ही कह रही हैं। आप उन्हें मर्जी का मालिक कह रही हैं, फैमिली को पसंद नहीं करता था, ऐसे आरोप लगा रही हैं, क्योंकि सुशांत तो अब आके कह नहीं सकता ना सच्चाई। अरे उन्होंने तो आपके सपने में आकर कहा है कि सच बताओ मुझे बुरा बनाओ। वाह जी वाह, आपका जन्मों जन्मों का प्यार। अब आगे रिया कह रही है कि आपको सिस्टम पर पूरा बिलीव है, आप सुशांत को इंसाफ दिला कर रहेंगी। पहले मैडम खुद को तो बचा लीजिए। सुनने में तो ये आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट ना करने की वजह से आपको थप्पड़ भी पड़ा है। सिद्धार्थ पिठानी भी आपकी बैंड बजाते हुए सीबीआई की तरफ गवाह बनकर तैयार हो गए हैं। 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन में रिया की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है गाइस। वो अपने फ्रस्ट्रेशन को मीडिया पर भी उतारती हुई नजर आई। आगे उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है नौबत, अगर वो सीबीआई के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाई, सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो उनकी गिरफ्तारी भी तय है। तो देखते हैं क्या होता है, कब तक रिया खुद को बचा पाती है। और वो जो उनका ये इमेज क्लियर करने का जो फंडा था, जो इंडिया टुडे को उन्होंने इंटरव्यू दिया है इतना साफ सुथरा सती सावित्री बनके, वो तो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। यहाँ तक कि इंडिया टुडे को भी बॉयकॉट करने का भी चलन चल चुका है। तो गाइज अगर आपको रिया के इंटरव्यू में ज़रा सी भी सच्चाई दिखाई दी है, आपको वो टोटली फेक लगती है या सच लगती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।